नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सम जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड एक्सपेंशंस पार्ट 8। तो एक्सरसाइज 3.4 है हमारे पास। तो अब क्वेश्चन किस टाइप से है हमारे पास, इसमें है एक्सपेंशन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्सपेंशन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन या अनदर मेथड से जीरो जीरो पे वैल्यू निकाल के। टेल आपने मैक्लोरिन थ्योरम की है, हम मैक्लोरियन से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 × x² / 2 factorial +2² / 4 factorial × 2x⁴ +2² × 4² / 6² × 2x⁶ up to 100। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे लेट कर लेते हैं। वाई साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, कोई नया फॉर्मूला नहीं है इसमें। हम देखो पिछले जितने भी फॉर्मूले हमने सीखे हैं उन्हीं का यूज करके हम इसको करते हैं। तो मैक्लोरियंस एक्सपेंशन, देखो पावर ऑफ एक्स देख रही है तो समझो ये मैक्लोरियंस एक्सपेंशन है। इसको चाहे आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, वाई लिखो चाहे एफ ऑफ एक्स भी लिख लो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम इसको। हम पहले वाई वन फाइंड आउट करो। y1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 sin inverse x × sin inverse x / √1 − x². देखो सेकंड चैप्टर में पहुंच गए हम इस क्वेश्चन से। ठीक है, वहां क्या करते थे, नीचे कोई क्वांटिटी है उसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई। y1 2 sin inverse x हो गया। अब ये रूट में है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 1 − x² y1² दिस इज 4 sin inverse x का होल स्क्वायर। अच्छा ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज वाई, तो 4y हो गया। तो हमारे पास हो गया 1 − x² y1² = 4। तो देखो 1 − x² y1² 4y आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है। अब अगेन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, देखो क्या आएगा, u इंटू वी से 1 − x² फर्स्ट एज इट इज। y1² क्या हो जाएगा, 2y1 और y1 का y2, नेक्स्ट में y1² एज इट इज इसका आ जाएगा 2x y1². अच्छा दिस इज इक्वल टू 4y1। अब 2y1 कंप्लीट से कॉमन लेकर हम कैंसिल करते हैं, 1 − x² y2 − kx y1 दिस इज इक्वल टू 2। यहां तक ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव आ गया है ये। अब देखो हम कैसे करेंगे, कितने डेरिवेटिव्स तक फाइंड आउट करने हैं। यहाँ एक्स की पावर 6 है, इसका मतलब 6 डेरिवेटिव तक। तो 6 डेरिवेटिव तक निकालने के लिए इसका हम nth डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। nth डेरिवेटिव कैसे करेंगे, लेबनीज थ्योरम जो हमने सेकेंड चैप्टर में किया था। देखो ये हो गया वी और ये क्या है u, यहां पर ये v और ये u, तो nth डेरिवेटिव कैसे आएगा इसमें। nth डेरिवेटिव करेंगे लेबनीज से तो y2 है उसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा yn + 2v h t + nc1 होता है n, और इसका एक कम डेरिवेटिव करेंगे तो n+1 और इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव -2x। NC2 होता है n × n − 1 / 2 factorial और इसका एक कम डेरिवेटिव इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव। यहां तक तो आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव nth माइनस के। अब इसका nth डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे हम, मैं आपको एक बार पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला है उससे किया हमने, जिसने सेकंड चैप्टर
किया था वो देखो, ये याद आएगा आपको, ये फर्स्ट u और v लेते थे तो y n क्या लिखते थे, पहले u का nth डेरिवेटिव v h d प्लस n c 1, u का एक कम डेरिवेटिव करते हैं, v का नेक्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फिर n c 2, u का n माइनस 2 h एक और कम डेरिवेटिव किया, v का नेक्स्ट डेरिवेटिव, इस टाइप से चलते जाएंगे, एन सी एन एन होता है और ये यू आ जाएगा और वी का एन एथ डायरेक्ट, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने इसको किया है कि भाई ये तो वी है और यू है, वी उसको लेते हैं जिसका डायरेक्टिव आगे चल के जीरो हो जाए, तो पहले वाई टू का एन एथ डायरेक्टिव क्या आया है, वाई टू का एन एथ डायरेक्टिव आ गया वाई एन प्लस टू और वी एज इट इज प्लस एन सी वन, एन सी वन हमारा एन होता है तो यू का इसका एक कम डायरेक्टिव करोगे तो वाई एन प्लस वन और वन माइनस एक्स स्क्वायर का नेक्स्ट डायरेक्टिव माइनस टू एक्स प्लस एन सी टू होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू होती है और इसका एक कम डायरेक्टिव करोगे तो वाई एन इसका नेक्स्ट डायरेक्टिव माइनस टू माइनस के। अब ऐसे ये वी यू है, पहले यू का एन एथ डायरेक्टिव क्या आएगा y n प्लस वन और v एच डी एन सी वन एन, इसका एक कम डायरेक्टिव करोगे तो y n और x का डायरेक्टिव वन और टू का डायरेक्टिव जीरो, यहां तक ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू, एक ये है और एक ये टर्म है, माइनस कॉमन टू एन प्लस वन, एक्स भी कॉमन वाई एन प्लस वन, इस टू से ये टू कैंसिल, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस एन और ये वाई एन दिस इज इक्वल टू जीरो, एन से एन कैंसिल। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू माइनस के टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस के एन स्क्वेयर वाई एन इक्वल टू जीरो। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर, मैं यही लिख देता हूं, y एट जीरो साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, y एट जीरो देखो साइन इनवर्स जीरो जीरो, तो y एट जीरो किसके इक्वल आया है, जीरो। ठीक है, अब y वन एट जीरो निकाल रहे हैं, y वन एट जीरो कैसे आएगा, देखो ये y180 ये साइन इनवर्स 0 0 ये 0 माइनस ये 1 माइनस 0 1 तो 0 बाय 1 किसके इक्वल आ गया फिर से 0 के, y180 क्या है 0। अब y280 क्या आया, देखो y280 कहां से आएगा, इससे ये 0 हो गया ये 1 है 1 y280 ये 0 दिस इज इक्वल टू 2 ये 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब 3 डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले हम इसमें पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा वाई एन प्लस टू एट 0, ये 0 हो गया, ये दूसरी साइड ले जाते हैं दिस इज एन स्क्वायर वाई एन एट 0, इतना ठीक है, सबको आया समझ में इतना। अब उसके बाद देखो हम क्या पुट करते हैं, एन की जगह 1 तो क्या आ जाता है वाई थ्री एट 0, 1 स्क्वायर इंटू वाई वन एट 0, वाई वन एट 0 क्या है 0, तो वाई थ्री क्या आ गया 0। अब n की जगह 2 पुट करो तो y4 एट 0 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर इनटू y2 एट 0 और y2 एट 0 किसके इक्वल आया हमारा 2 के, n इज इक्वल टू 3 पुट करो y5 एट 0 दिस इज 3 स्क्वायर इनटू y3 एट 0, y3 एट 0 क्या है 0, तो सारा 0 हो गया, n इज इक्वल टू 4 पुट करते हो तो y6 एट 0 क्या होता है, यहां पर 4 कर दिया, 4 स्क्वायर इंटू वाई फोर एट 0 और वाई फोर एट 0 किसके इक्वल आया 2 स्क्वायर इंटू 2 के, बस अप टू 6 तक निकालना था। देखो जो हमें प्रूव करना है वो 6 तक निकालना था उसमें, ये देखो। ठीक है, तो अब हम मैक्लोरिन एक्सपेंशन का यूज करते हैं, इसमें क्या होती है f ऑफ x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, दिस इज f ऑफ 0 क्या है 0 प्लस x इंटू f डैश 0 क्या है 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव एट 0 किसके इक्वल है 2 के प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव क्या है 0
एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव क्या आया? दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस में एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, फिफ्थ डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल इंटू में क्या आ जाएगा? वाई 6 एट 0 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस अप टू 100। तो देखो जो हमें प्रूव करना था उसी के अकॉर्डिंग ये आ गया है। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल। इतना ठीक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज जो 3.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन तक इसी टाइप से करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th। फोर्थ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5th, बाय मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? एक्स प्लस 1 बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 3 बाय 2 इंटू 4 एक्स की पावर 5 बाय 5 अप टू 1। ये प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसमें सॉल्यूशन। पहले तो हम एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स या वाई जो भी आप कंसीडर करो, क्योंकि एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना है और एक बार फिर उसका इंटीग्रेशन। देखो साइन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा? 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स के। ठीक है, अब पावर 5 तक लिखना है। देखो तो अब ऐसा नहीं है कि एक बार डी वाई बाई डी एक्स किया फिर इंटीग्रेशन आंसर आ गया, नहीं ऐसे नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2। पहले बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे आएगा? इसको हम बाइनोमियल थ्योरम जो हमने की है उसी से करेंगे। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n जो था क्या होता है? 1 प्लस n, n ये है इंटू x, x ये माइनस 1 बाय 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड अप टू सो ऑन। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इस फॉर्मूले में? देख देखो ये फॉर्मूला है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, ये है। ठीक है, इसी तरीके से किया है। अब इसमें क्या है? x की जगह तो माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और n की जगह माइनस 1 बाय 2, बस यही सोल्व किया। ये dy बाय डी एक्स आया। ठीक है, तो अब dy बाय डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस
ये देखो माइनस वन बाय टू और माइनस थ्री बाय टू आएगा, प्लस के थ्री बाय फोर हो जाएगा और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बाय एट एक्स रेज टू पावर फोर हो जाएगा। अब फाइव तक चाहिए तो बस यहीं तक लिख दो, यहां तक आ गया सबको ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या आ गया वाई, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन बाय टू बाहर, एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस वन इंटू थ्री लिख लेते हैं थ्री को, और नीचे जो एट है उसको लिख रहे हैं हम टू इंटू फोर, और एक्स की पावर फोर का आ जाएगा एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव एंड अप टू सो। ये आंसर आ गया, बताओ कुछ समझ में आया क्या नहीं ठीक ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, बिल्कुल सिंपल सिंपल है ये, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड पार्ट देखो, हाँ देखो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स के ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे कर सकते हैं इसको। पहले हमने सीखा था वन प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो हम क्या पुट करते हैं, जब वन प्लस एक्स हो एक्स स्क्वेयर तो हम क्या पुट कर देते हैं एक्स की जगह, बोलो पुट कर, देखो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाते होते हैं, तो पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये है। तो ऐसा पुट करने से देखो वाई की क्या वैल्यू बन जाती है हमारी, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेंजेंट थीटा अपॉन वन प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बनता है, दिस इज साइन टू थीटा और ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू टू थीटा, थीटा क्या है टेंजेंट इनवर्स x। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब कैसे करेंगे इसका, पहले डिफरेंशिएशन dy by dx, dy by dx क्या आएगा 2 by 1 plus x के। अब ऐसा नहीं है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे देखो ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे बाइनोमियल से जो आज मैंने सिखाया आपको, वन प्लस एन इंटू एक्स, एन माइनस वन है प्लस के एन इंटू, अच्छा एक सेकंड मैं इसको तो डायरेक्ट ही लिखा सकता हूँ, एक और फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको, इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर सिक्स अप टू सो। ये फॉर्मूला बताया था, बाइनोमियल से सोल्व करोगे तो यही आएगा ठीक है, या फिर ऐसे मैं बता देता हूं देखो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन या वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, इन दोनों की एक्सपेंशन, बीच में प्लस है तो अल्टरनेट साइन आता है और बीच में माइनस है तो सारे प्लस के आ जाते ठीक है इस टाइप से। तो अब dy by dx ही आ गया, तो यहां से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y किसके इक्वल आएगा 2 into 1 का इंटीग्रेशन x, इसका x क्यूब बाय 3, इसका x रेज टू पावर 5 बाय 5 माइनस अप टू, ये आंसर ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट क्या है, y गिवन है टेंजेंट इनवर्स x बाय रूट वन माइनस एक्स के, तो इसमें क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा करते हैं है ना, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर का रूट कोस थीटा,
तो दिस इज टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बन गया, कैंसिल तो वाई किसके को लगा थीटा के, और थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स देखो फर्स्ट पार्ट हमने यही किया था, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बन गया, तो ये ऐसे ही लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वाई किसके इक्वल है टेंजेंट इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस के रूट वन माइनस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा, हम एक्स स्क्वेयर को क्या पुट करते हैं कोस थीटा, तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो देखो वाई क्या बनेगा, दिस इज टेंजेंट इनवर्स रूट वन प्लस में कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा रूट वन प्लस कोस थीटा प्लस के रूट वन माइनस के कोस थीटा, ठीक है। अब इनके जो फॉर्मूले हैं वो यूज करेंगे हम। टेंजेंट इनवर्स वन प्लस कोस थीटा क्या होता है टू कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू, और रूट लगाएंगे ना तो यहाँ ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रूट टू साइन स्क्वेयर है तो ये ऐसे बन जाएगा रूट टू कोस थीटा बाय टू प्लस में रूट टू साइन थीटा बाय टू, ये आ जाता है। अब आगे क्या करते हैं हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रूट टू कोस थीटा बाय टू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है वन माइनस के टेंजेंट थीटा बाय टू वन प्लस के टेंजेंट थीटा बाय टू। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है, दिस इज टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस के थीटा बाय टू। अब ये दोनों कैंसिल, पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू, थीटा क्या है कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर, तो वाई हमारा ये बना है, ठीक है। अब तो सिंपल है ये, अब कैसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय फोर का जीरो माइनस वन बाय टू बार, कोस इनवर्स का होता है माइनस के वन बाय रूट वन माइनस के एक्स पावर फोर हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का टू एक्स, टू से टू कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो x बाहर अंदर आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर माइनस 1 बाई टू। तो अब कैसे करेंगे इसमें, अब तो इसको बाइनोमियल से फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो बाइनोमियल से देखो एक्सपेंड करते हुए हम क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स, वन प्लस के आ जाएगा x की पावर 4 बाई टू अप टू सोल्व करते हैं, बस इतना ही लिख दिया, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स की पावर 5 बाई टू, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, बस बाइनोमियल का यूज किया है, अब क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो dy बाई डी एक्स का क्या आ जाता है y, x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय टू, ये x की पावर 6 बाय 12 हो जाएगा एंड अप टू ये आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, सेकंड और थर्ड चैप्टर कर लिए हमने, ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम कल से करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4।